गुड मॉर्निंग बच्चों, दूसरा चैप्टर क्लास टेंथ का है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किया। अब ये दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में पहला सवाल ही होता है कि मैग्नेट क्या होता है। हमें सबसे पहले मैग्नेट के बारे में जानना होगा कि मैग्नेट क्या होता है। देखिए, मैग्नेट की अगर हम बात करें तो ये हर कोई लगभग जानता ही है, आप बचपन से खेलते आते हैं, ठीक है। भले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि वो चीज़ जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं उसको मैग्नेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि जब ये आप अट्रैक्ट कराते हैं तो लकड़ी वगैरह से तो वो अट्रैक्ट होता नहीं हो, तो हमेशा वो क्या करता है, आयरन से बनी हुई चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि मैग्नेट वो मटीरियल है जो क्या करता है, अट्रैक्ट आयरन, आयरन को अट्रैक्ट करता है। यानी द मटीरियल विच अट्रैक्ट अब परमानेंट मैग्नेट में एक होता है बार मैग्नेट, यानी कि वो मैग्नेट जिसका
कोई एक फिक्स शेप साइज शेप होता है, साइज तो हो सकता है, फिक्स शेप होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट में आइए तो कई सारी चीजें हो जाती है, ठीक है, कई शेप का आपको मिलता है। नॉर्मली आप देखते होंगे वो एक देखते होंगे आई शेप का, ठीक, बिल्कुल स्ट्रिप टाइप का होता है ऐसे, ठीक है, ये आपका मार्किंग होता है नॉर्थ साउथ, ये हो गया आई शेप का। दूसरा होता है यू शेप, इसी को हम क्या कहते हैं, हॉर्स शू टाइप, यू शेप या हॉर्स शू टाइप, घोड़े का नाल जैसा होता है, ठीक है। तीसरा होता है डिस्क टाइप, ये चीज ऐसे होता है जो आप नॉर्मल देखिए आप वीडियो वगैरह टेलीविजन वगैरह में आप एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक आते हैं गोल गोल सा, वो ऐसे ही होता है, ठीक, डिस्क टाइप। ये आपके बार मैग्नेट के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मीडियम में क्या होता है कि एक ऐसे आपका एक डिस्क बना हुआ है, ठीक है, बाउल के जैसा होता है। अब उसमें यहां पे मार्किंग हो जाती है 0 से 60 डिग्री तक, ठीक है, 0 से 360 डिग्री तक मार्किंग हो जाती है। सेंटर से एक निडिल होता है जो हमेशा पॉइंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक, ये हो गया आपका मैग्नेटिक निडिल। क्या हो रहा है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को नोटिस, मतलब आपको बताया कि डायरेक्शन नॉर्थ किधर की तरफ है, क्लियर। तो मैग्नेटिक निडिल में क्या होता है, एक परमानेंट, ये इसमें क्या होता है, एक परमानेंट बार मैग्नेट भी लगा होता है, ठीक, जो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में। मैग्नेटिक कंपास में क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा सा चेंज लाते हैं, इसमें भी मार्किंग तो हो जाती है 0 से 360 डिग्री तक, लेकिन इस बार इसमें निडिल नंबर्स क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, ठीक, एक हो जाता है आपका ये हो जाता है रेड कलर का जो क्या है नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है, और ये हो जाता है आपका ब्लैक कलर का जो होता है साउथ पोल, ठीक है। अब मैग्नेटिक कंपास की जब हम बात करते हैं तो ये आपको डायरेक्शन के साथ साथ किसी चीज का ये बताता है कि नॉर्थ से कितने डिग्री एंगल पे हम चल रहे हैं, ईस्ट से कितने डिग्री एंगल पे हैं, वेस्ट से कितने डिग्री एंगल पे हैं, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है बट ये किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजिशन को डिटरमाइन करता है, उसके ओरिएंटेशन को बताता है कि उसका डायरेक्शन नॉर्थ से या ईस्ट से या वेस्ट से कितने डिग्री एंगल पे सिचुएटेड है, ये आपका दो चीज दो इंफॉर्मेशन देता है। तो ये आपका होता है मैग्नेट के बारे में, एक बार और सुनिए फटाफट, मैग्नेट क्या होता है, हर वो मटेरियल जो हर एक आयरन की चीज को अट्रैक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। उसके अलग अलग नाम भी होते हैं, ब्लैक स्टोन, लोडस्टोन, ये पुराने नाम है। केमिकल नेम क्या है, ये कोर ऑफ आयरन होता है जिसको नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला Fe3O4, फिर यहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं एग्जैक्ट जो आपको मैग्नेट चाहिए होता है। मैग्नेट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। इसका दूसरा नाम और भी होता है टेम्परेरी मैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद मैग्नेट की तरह बिहेव करना भी बंद कर देगा। परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमेशा रहती है, ये उसके टाइप्स हो जाते हैं, मतलब ये अलग अलग शेप्स अलग अलग नामों से जाना जाता है और सबका अलग अलग यूज है, ठीक है। तो ये हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे शुरू करते हैं। देखिए अगला इसमें है, अभी हमने मैग्नेट के बारे में पूरा जाना, क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, पहला पॉइंट क्या होता है, पहला क्या होता है, ये आयरन को अट्रैक्ट करता है, ठीक, वही मैग्नेट है, पहचानने का तरीका।
कि एक आयरन पीस उसके पास ले जाइए, अगर उसमें अट्रैक्शन हो रहा है, अगर वो आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या है, मैग्नेट है। दूसरा होता है कि हर एक मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, ठीक है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जो नॉर्थ के डायरेक्शन को शो कर रहा होता है उसको हम नॉर्थ पोल मान लेते हैं, दूसरा जो होता है जो साउथ पोल की तरफ होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, साउथ पोल मान रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक। अब दो मैग्नेट अगर लेते हैं और नॉर्थ नॉर्थ पोल को साथ में लेकर के आते हैं दोनों मैग्नेट का, तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन, यानी कि सेम पोल्स में हमेशा क्या होता है, रिपल्शन, एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन जब अपोजिट पोल्स की बात करते हैं कि एक मैग्नेट का नॉर्थ हो दूसरे मैग्नेट का साउथ हो, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें आप करते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है, खेलते आ रहे हैं मैग्नेट के साथ। अब क्या होता है कि इसमें अगर बात करें फोर्थ पॉइंट को, देखिए कि मैग्नेट अगर ये मान लीजिए कि एक बार मैग्नेट है, इसको आप क्या कर दीजिए, बीच ऐसे रस्सी से बांध करके ऐसे हवा में लटका दीजिए, ठीक है, हिला के छोड़ दीजिए इसको, ऐसे घूमते 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 जब रुकेगा तो ये हमेशा फिक्स डायरेक्शन इसका क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही ये जाकर के रुकेगा, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि साइंटिस्ट विलियम गिल्बर्ट उन्होंने कहा था कि अर्थ में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी हम वो आगे की तरफ पढ़ेंगे, विलियम गिल्बर्ट के ने जो कहा था उसको अच्छे से पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि जब भी हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं एयर में, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होता है, ठीक है। इसके बाद होता है कि मैग्नेट को बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट दीजिए, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ दीजिए, एकदम छोटा वाला पीस भी अगर उठाएंगे आप, ठीक है, एकदम छोटा सा, तो उसके पास भी मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी होंगी, मतलब उसके पास भी दो पोल्स होंगे, सेम पोल्स में रिपल्शन, अपोजिट में अट्रैक्शन, ये सारी चीजें वो रखेंगे, उसको फिर लटकाएंगे तो ऐसा नॉर्थ साउथ में जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि मैग्नेट को आप तोड़ करके छोटा छोटा पीस निकाले, उसको घिस करके छोटा सा छोटे छोटे पीसेस में बारीक पीसेस कर दे, तो हर एक बारीक पीस में क्या हो जाएगा, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सिर्फ घटेगी लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि जब एक बड़े मैग्नेट को आप लिए उसी के छोटे छोटे पीसेस में करेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, जो पूरा एक मैग्नेट स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा था उस पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो सिर्फ स्ट्रेंथ में कमी आती है वैसा करने से, यानी कि छोटा पीस मिलेगा उसकी स्ट्रेंथ उस बड़े वाले मैग्नेट का जिसका वो पार्ट है उससे कमी होगा। फिर होता है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिक्रीज बाय हीटिंग और बीटिंग, यानी कि किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम घटा सकते हैं कैसे, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, एक मैग्नेट लेकर के आप उसको रूम टेम्परेचर पर करोड़ों साल तक के लिए छोड़ दीजिए तो भी उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उसी मैग्नेट का टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए या उसको पीटना शुरू कर दीजिए, हैमरिंग करना शुरू कर दीजिए, तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक। तो ये सिर्फ मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या मैग्नेट के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन, उसके अदर्स नेम्स, कहाँ से आता है, कोर ऑफ आयरन, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट शेप्स के बारे में डिस्कस किया, और ये क्या है, प्रॉपर्टी का मैग्नेट होता है, ठीक। अब इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। देखिए अगला टॉपिक हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ कुछ एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर कोई और आयरन का पार्ट के लिए कोई और मैग्नेट हम लेकर के जाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, ठीक। जैसे आप बचपन से खेलते होंगे कि ये दो मैग्नेट आप रख लेते हैं, एक मैग्नेट रखे रहते हैं, दूसरा मैग्नेट पास में लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो जब दूर से लेकर जाते हैं तो दूसरे वाले मैग्नेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे पास में जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे जाने के बाद इस मैग्नेट में क्या होता है, मोशन शुरू होता है, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, दो चीजें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे पास एक मैग्नेट है, इसमें हमने कहा दो पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल ले लिया, तो इसके चारों तरफ कुछ एक सर्टेन रीजन होगा जिसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, ठीक है। तो इसके इसका जो डेफिनेशन बनता है क्या बनता है, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच, देखिए मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस इन विच इट एक्सपीरियंसेस
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर। मैग्नेटिक चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो इस मैग्नेट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा, ठीक है, वही आपका क्या कहता है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस सभी जो स्पेस हमने लिया सब जगह एक जैसा नहीं होता है, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, तो ऐसा माना जाता है कि पोल स्पेस स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहां ज्यादा है कहां कम है उस चीज को उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पैटर्न लिया गया और उस पैटर्न का नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो अगला हमारा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको देख करके हम बहुत सारी चीजें पता कर पाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होती है मैग्नेट के चारों तरफ ड्रॉ की जाती है जो बताती है कि मैग्नेट के किस वाले पोजीशन पे मैग्नेटाइजेशन कितना ज्यादा हो सकता है, कहाँ यूनिफॉर्म है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, उसको हम पता कर पाते हैं, ठीक। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट की जाती है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे सबसे पहले इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाया गया, एक आपके बुक में एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट में दिया गया है कि वहां पे क्या कहते हैं एनसीईआरटी वाले एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि बहुत सारे आयरन के पीसेस को स्प्रेड कर दिया गया है और वहां पे एक मैग्नेट रख दिया गया है, ठीक। फिर क्या होता है कील आकर उससे चारों तरफ चिपक जाती है तो एक पैटर्न मिलता है। आप ऐसे समझिए कि हमने क्या किया, आप ऐसे देखते हैं आयरन के पीछे कर दिया, एक कील उसके नीचे लगा दिया, उस कील की जब से नीचे वाले टिप पे और कील लगे जैसे लटकते जाता है धीरे धीरे, ठीक, चार पांच कील ऐसे लटक जाता है तो एक चारों तरफ वैसे ही तो होगा मैग्नेट के हर एक पॉइंट पे वैसा ही होगा एक स्ट्रक्चर। तो जब स्प्रेड किया जाता है कील तो ये क्या हो जाता है, देखिए ऐसे ऐसे आकर चिपकता जाता है कील, एक एक मिडिल लगा फिर इसके पीछे के कैसे चिपकता जाएगा तो ये क्या होगा एक पैटर्न मिलेगा, देखिए एक ही कैसे आएगा तो एक के बाद एक जुड़ता जा रहा है तो ये एक तरफ आइडिया दे देता है। लेकिन उसको डेफिनेशन बनाने के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक दूसरा मैग्नेट ले लेते हैं, मैग्नेटिक निडल ले लेते हैं, ठीक। मैग्नेटिक निडल हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है या मैग्नेटिक कंपास आप ले लीजिए नॉर्थ साउथ, उसको क्या करते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड में रख के घुमाते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं उस मैग्नेटिक कंपास को या मैग्नेटिक निडल को तो उसका नॉर्थ पोल क्या होगा डिफ्लेक्ट होगा, हम उसके नॉर्थ पोल को रेफरेंस मानेंगे और उसके डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जैसे यहां पे हमने रखा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे आप रख रहे हैं, मान लिया यहां पे रख रहे हैं, हमने यहां पे रखा यहां पे रखा ऐसे घुमाने लगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। एक सिस्टमेटिक पैटर्न में हम लाएंगे मैग्नेटिक कंपास को, ठीक। जब इसको लेकर के आएंगे तो यहां मान लिया यहां पे जैसे ही रखेंगे बिल्कुल ये डायरेक्शन होगा इसका, ठीक, इसका नॉर्थ इधर की तरफ और साउथ इधर की तरफ होगा और इस वाले एंड पे जब होगा तो क्या होगा ये सिचुएशन होगी बिल्कुल, कौन सा इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक। तो देखिए यहां जब आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल से रेफरेंस लेकर के चलिए, नॉर्थ पोल से इसके नॉर्थ पोल को रेफरेंस मानिए तो ले लग रहा है क्या ये इधर की तरफ निकल रहा है, ठीक। जब इसको ऐसे आप लेकर के जाएंगे तो ये अब नॉर्थ ऐसे आ चुका होगा, ठीक, साउथ नॉर्थ, ठीक है, ऐसे घूमते घूमते ये आएगा तो फिर ये होते होते ऐसे आ जाएगा यहाँ पे आएंगे तो फिर ये सिचुएशन आ जाएगी आपकी नॉर्थ साउथ, फिर ऐसे घूमते हुए आएंगे ये सिचुएशन हो गई नॉर्थ साउथ। तो देखिए ऐसे नॉर्थ निकला ऐसे घूम रहा है, घूमते घूमते ऐसे आया फिर ऐसे घूम के ऐसे आ गया चला गया,
अब यहां फिर इसको आगे तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये ऐसे सिचुएशन में क्या करें, नॉर्थ साउथ और यहां पे लाते हैं तो फिर ये नॉर्थ साउथ और फिर यहां लाते हैं तो ये क्या हो गया नॉर्थ साउथ। तो इस तरीके से घूमता रहे। तो जब इसको आप देखेंगे तो एक सिस्टमेटिक पैटर्न मिलता जाता है, नॉर्थ 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 घूमते वैसे चला गया। अच्छा फिर इधर से नीचे तरफ देखिए तो ऐसे नॉर्थ घूम रहा है, ऐसे घूमते 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 ऐसे चला गया। ठीक, तो नॉर्थ पोल को अगर रेफरेंस मानते हैं तो हमारे पास जो पैटर्न मिलता है अगर उसको लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो यही तो होगा। ये ऐसे यहां से निकला, ऐसे आया, फिर यहां से ऐसे निकला, ऐसे आए। ठीक है, तो ये निकल रहा है, इसमें जा रहा है। अब ये जाने का खत्म नहीं होता है, ये कंप्लीट लूप पूरा करता है ये चीज। ठीक है, अंदर की तरफ चला जाता है ये, इस तरीके से ढेर पैटर्न मिलते हैं आपको। ठीक है, आप ड्रॉ करते जाएंगे तो बहुत ढेर सारे पैटर्न आपको मिलेंगे। ठीक, और ये जाकर के कंप्लीट करेगा अंदर की तरफ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ये ड्रॉ में हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन में भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेट। मैग्नेट की बात कर रहे थे, अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन, बाहर की तरफ क्या है कर्व है। तो इसके डेफिनेशन में क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डिफाइंड एज द लाइंस व्हिच आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द या ड्रॉन अलोंग द डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास, When placed in a magnetic field, when placed in a magnetic field, is known as magnetic. R यहाँ बनेंगे, R known as magnetic field lines. ठीक? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम क्या कह रहे हैं कि वो लाइंस जो कहां ड्रॉ की गई है, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम एक नॉर्थ पोल को यूनिट नॉर्थ पोल को लेते हैं तो उस यूनिट नॉर्थ पोल के डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन में जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वही हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। ठीक है, ये इमेजिनरी होता है, इसको आप देख नहीं सकते। हम ऐसा करेंगे एक मैग्नेटिक चारों तरफ लाइन पे दिख रहा वैसा दिखता नहीं है, वो एक पैटर्न है। ठीक, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिया गया है। ठीक, अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख करके हम बहुत सारे कंक्लूजन निकालेंगे जिसको हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको देख करके हम क्या क्या जान पाते हैं मैग्नेट के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। यानी अगला हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्लियर हो चुका है। अगला हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ, तो अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझा, उसके डेफिनेशन को समझा, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं उसका हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन देखा। अब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख करके हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या क्या हम चीजें बता सकते हैं, वो सारी चीजें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करा है। ठीक है, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ किया हुआ है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख करके हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में हम आते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, मतलब इन्हें हम देख नहीं सकते, कभी नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा सके। हम ये एक इमेजिनेशन है जो हम अपने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बनाए, ठीक है। दूसरा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व में ये यहां से स्टार्ट हो रही है नॉर्थ पोल से और घूम करके साउथ पोल से अंदर निकल जा रही है, ठीक है। तो ये क्लोज कर्व ये नीचे वाला जा रहा है ऐसे जा रहा है, यानी कि ये जो है यहां से ऐसे स्टार्ट हो रहा है ऐसे आ रहा है, ठीक। ये ऐसे स्टार्ट हो रही है ऐसे आ रहा है, तो देखिए ये है नॉर्थ साउथ, ठीक, क्लोज कर्व बन रहा है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेट के बाहर कहां से कहां है, ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ से निकल करके साउथ में जा रहा है, ठीक। आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर की तरफ जाएंगे तो कहां है, साउथ से नॉर्थ है। देखिए अंदर की तरफ कहां जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्लियर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्लोज कर्व बन रहा है, तो क्लोज कर्व बन रहा है बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ, तो याद रखना है आपको। अगला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉन यूनिफॉर्म आउटसाइड द मैग्नेट बट यूनिफॉर्म इनसाइड मैग्नेट। देखिए बाहर की तरफ नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे, यहाँ देखिए ट्रैवलिंग ज्यादा है, ये ऐसे चल रहा है घूमते हुए जा रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे कर्व बना रहा है, बाहर की तरफ क्या है कर्व है, और कर्व है तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन अंदर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो मैग्नेट के बाहर क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन मैग्नेट के अंदर हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ये इस कोने पे ले लीजिए, यहां पे लीजिए, हर जगह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्राउडनेस है वो देखिए पोल्स पे ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडनेस क्या है, पोल्स पे ज्यादा। ये लाइन आपका पांचवा पॉइंट चाहिए, द क्राउडनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल्स आर near the poles then any other positions are more, ठीक है, so the strength of poles are very high, ठीक है। तो crowdness या इस मूल हमने लिख लिया या है, क्लियर। तो कहने का मतलब यह है कि जो poles में crowdness है वो क्या है, ज्यादा है। अब एक बात याद रखिए कि ऐसे मान लीजिए आपको ढेर सारे आया हुआ बोर्ड में क्वेश्चन है कि चार पांच बार मैसेज दे देता है उसका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बना देता है, ऐसे ही सबका रहेगा, लेकिन किसी में क्राउडनेस यानी जो फील्ड लाइंस है वो ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, किसी में जो फील्ड लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है वो कम होगी। तो जिसका क्राउडनेस सबसे ज्यादा होगा उसी का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ देखिए क्राउडनेस सबसे ज्यादा कहाँ है, पोल्स पे है, जब सबसे ज्यादा पोल्स पे है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पोल्स पे क्या होगी, ज्यादा होंगे। उसके अलावा कहीं और देखिए तो क्राउडनेस क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि यहाँ पे फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, ठीक। तो ये हो जाता है आपका क्राउडनेस को लेकर के हम बता सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड और कौन सा मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब किसी पॉइंट पे जैसे हमने कहा कि यहाँ देखें द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट दैट पॉइंट, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम चाहते हैं कि ये पता करें कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक आयरन का पार्टिकल रख रहे हैं, ठीक, तो वो किधर की तरफ भागेगा, ठीक, ये बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं आएगा, ये ऐसा होता है मैग्नेट में कि सीधे नहीं आएगा जहां पर रखेंगे, अब किधर की तरफ भागेगा, तो जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ये फोर्स की डायरेक्शन, ये क्या बताएगा, फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, इधर की तरफ लगेगा टेंजेंट, इधर नहीं लेगा क्योंकि डायरेक्शन तो इधर की तरफ है, तो ये लगेगा, ठीक है। अगर यहां पर रख रहे हैं तो क्या होगा, ये आ गया डायरेक्शन। तो किसी भी फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे हम पता करना चाहते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो उस पॉइंट पे क्या करिए, आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट पता ही आपको कर्व के एक पॉइंट को टच करता है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, वो क्या बताएगा,
The tangent will give the information of direction of force at that point. ठीक? अब जो सबसे आखिरी वाला पॉइंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहा जाता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो वो ऐसा इसलिए नहीं करती कि अगर इंटरसेक्ट कर देंगी तो वहां पे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलेंगे। ठीक, तो इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वेदर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट, गिव द रीजन, मतलब करती हैं या नहीं करती हैं, वजह बताइए क्यों नहीं करती हैं। तो हमने कहा कि नहीं करती हैं, ठीक, नेवर इंटरसेक्ट, कभी नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो क्या होगा, टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट दैट पॉइंट होंगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अब समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक, एक मैग्नेट का, दूसरे मैग्नेट का मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चला गया, सपोज ऐसा अगर हुआ तो इंटरसेक्शन कहां हुआ, यहां पे हुआ। अब यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए टेंजेंट आपका बना ये और इसके लिए टेंजेंट बना ये, ठीक, तो ये F1 और ये मान लीजिए F2, ठीक, ये लाइन आपको मान लीजिए B1 था और ये लाइन B2 था। B1 की वजह से फोर्स F1 मिला, B2 की वजह से फोर्स F2 मिला। तो ये पॉइंट है, अगर एक आयरन की पार्ट आयरन के पार्टिकल को आप रखते हैं तो कहां जाएगा, F1 की तरफ F2 की तरफ, पॉसिबल नहीं है दोनों तरफ जाना उसका, ठीक, किसी एक तरफ ही जाएगा हमेशा, लेकिन यहां दो तरफ जा रहा है तो एक ही ऑब्जेक्ट दो तरफ नहीं जा सकता, इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं। ठीक, समझ में आया? तो ये आखिरी के दो पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ये पॉइंट है कि जो क्राउडनेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस पे लगभग हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, या तो क्राउडनेस के बेसिस पे पूछ लेगा, या ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो बहुत बार पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, और इसको कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।